जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह पूर्व सांसद पप्पू यादव के आह्वान पर 5 मांगों को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरे बिहार में उनके कार्यकर्ताओं द्वारा बंद किया गया। उसी क्रम में दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान की अध्यक्षता में जन अधिकार पार्टी के तमाम विंग के कार्यकर्ताओं के साथ रानीपुर बिजुली के बीच NH-57 को घंटों जाम कर दिया गया, जिसके कारण NH-57 पर आने जाने वाले रास्ते पर कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लग गई। जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि केंद्र की बीजेपी सरकार सारे देश को ठग रही है। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सारे देश की संपत्ति को औने पौने में अपने उद्योगपति मित्रों को बेच रही है। राष्ट्रीय राजमार्ग जाम होने के कारण अफरा तफरी की नौबत आ गई, जिसको देखते हुए सदर थाना के थाना अध्यक्ष मौके पर पहुंचकर जाप जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान को मान मनोबल के बाद जाम को खुलवा दिया। पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद अधिकार पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा, कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा, 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 बिहार को विशेष राज्य का। किसानों ने अपना आंदोलन तो खत्म कर दिया, फिर भी उनको MSP चाहे तो वो आंदोलन से हट गया, फिर भी आप लोग यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं MSP को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के आह्वान पर आज सारे बिहार में जहाँ जहाँ NH पड़ रहा है वहाँ पर राज्यव्यापी बंद किया गया है, ताकि केंद्र सरकार को यह समझाया जा सके कि आपने जो किसानों को ठगने का काम किया है, जो किसान भी समझ रहे हैं और वो आंदोलित है, वो आंदोलित इसलिए होने जा रहे हैं कि जो मांग उन्होंने रखा था, उस जो कानून बनाया उसको तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन जो किसानों की अहम मांग थी कि मिनिमम सेलिंग प्राइस यानी MSP पे कानून बना के हम लोगों को सुरक्षा दिया जाए, हमारी आर्थिक जो हमारी दुर्दशा है उसको ठीक किया जाए, उस पर उसने कोई कानून नहीं बनाया। इसीलिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी के जाने पर आज हम लोगों ने उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने मिलकर यहाँ पर जो है इन्हें जाम किया है, ताकि केंद्र सरकार को एक नोटिस जाए और इस पर विलंब कानून बनाए। खाद बीज पे तो सरकार कह रही, खाद बीज तो हर जगह पहुँच रहा, फिर भी उसको भी लेकर के आज सर बिहार के अंदर में यहाँ पर बहुत सारे किसान के बच्चे मौजूद है, हम खुद किसान के होता है सर। अभी तक खाद तो दूर की बीज तो दूर की बात, खाद तक नहीं पहुँचा है, पहले खाद पहुँचेगा, पहले खेत को सींचा जाएगा, खाद डाला जाएगा, तब ना बीज का काम, ना तो खाद पहुंच रहा है ना बीज पहुंच रहा है, इसीलिए केंद्र सरकार झूठ बोल रही है और इसी का पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, ताकि ये हम लोग पर्दाफाश करके बता दें। सर, इसमें एक मांग है कि पंचायत प्रतिनिधियों को सुरक्षा चाहिए, क्यों उनको क्यों सुरक्षा इसलिए चाहिए, पंचायत काफी छोटा होता है। बिल्कुल, जो लोग मुखिया सरपंच उप सरपंच जो जीत के आए हैं उनको चैलेंज देके मारा जा रहा है, उनकी हत्याएं की जा रही है चैलेंज दे करके। ये बिहार सरकार जनता जिनको चुनती है कि सही काम करेगा उसको अपराधी द्वारा मार दिया जा रहा है, जब जनता की आवाज को ही खत्म कर दिया जाएगा तो फिर जनता के कौन लड़ेगा। इसीलिए हमारी आज ये भी मांग है कि जो भी जनप्रतिनिधि चुन के आए हैं उनके जीवन को बचाने के लिए सुरक्षा मुहैया कराया जाए सरकारी तौर पर। अच्छा सर, एक बात आपकी मांगों में एक और है कि वार्ड सचिव की नौकरी स्थायी, ये कैसा मांग है? सर देखिए, वार्ड सचिव पिछले 15 साल से नीतीश जी के राज में खट रहे हैं, उनको खटाया जा रहा है, लेकिन आज तक उनको अपने भविष्य का कुछ नहीं मालूम है कि वो आगे क्या करेंगे, समझ में, मतलब कि उनकी नौकरी रहेगी नहीं रहेगी ये कुछ नहीं मालूम है। इसीलिए हम लोगों ने ये जन अधिकार पार्टी पप्पू यादव जी ने ये आह्वान किया है कि उनकी नौकरी को भी सुनिश्चित किया जाए, उनकी मानदेय को सुनिश्चित किया जाए, इस मांग को लेकर हम लोगों ने आज कई सारे स्कूलों में ऐसे है कि बिहार में काफी हजारों में टीचर भी टेंडर पे है। देखिए है क्या, उनको भी स्थायी नौकरी के लिए कई बार लोगों ने आंदोलन किया, पटना में मार खाए, क्या नहीं किया, उनको भी नौकरी। ये डबल इंजन की सरकार है, ये कोई भी चीज स्थायी नहीं करना चाह रही है। आप केंद्र सरकार देख लीजिए, देश को बेचती जा रही है, प्राइवेटाइजेशन के नाम पे देश को बेचती जा रही है और हम लोग को भ्रमित किया जा रहा है। बैंक वाले लोग आज रो रहे हैं, जिन लोगों ने कहा था बीजेपी सरकार आएगी तो बहुत